Welcome again to Parida Academy. So today we will discuss the last assignment. This is for your annual exam. So you must watch this assignment 6. Okay, this is your last assignment of science. So this is for standard 6 class students and science. Okay, so you must watch. Okay, this is specially for you. I'll make this question answer. सो आप लोग बस उसको इसको देखिए और याद भी करिए रखिए, क्योंकि ये सब आपका एग्ज़ाम में नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ जाएगा. ओके, चलते हैं क्वेश्चन आंसर में, टोटल डिस्कशन करेंगे. सो वही बात, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर. जो दोस्त तुम्हारे मतलब कि नहीं जान पा रहे हैं यहाँ पे, सो आप लोग उनको शेयर भी कर सकते हो. ओके, जो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं स्कूल पे, उनको आप लोग भेज सकते हो. ओके, सो फर्स्ट, सो टेक द करेक्ट आंसर. ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट? मीटर. सो द नंबर ऑफ टर्मिनल इन द सेल्स आर 2. ओके, देन नेक्स्ट इज, सो ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एलिंग्स इटसेल्फ इन द north south directions. Then an example of luminous object is star. Okay, jiska khud ka light hota hai. So a gas that supports burning is called oxygen. Okay, jo gas jalne ki ke liye wo sahayak hota hai. To yahan par match the following hai, main seedha isko likh diya hu. Dekho, respiration ka oxygen, photosynthesis ka carbon dioxide, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हो ची वेजिटेबल पिल, एंड ऑपाक्यू का ऑब्जेक्ट है हमारा शैडो, देन प्लेन मिरर है रेगुलर रिफ्लेक्शन, देन मैग्नेट्स है पोल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ए प्लास्टिक्स, टॉन्गस्टन इज ए फिलामेंट. ओके, टॉन्गस्टन इज ए फिलामेंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द मेटल कैप ऑफ ए सेल इज पॉजिटिव टर्मिनल्स. द लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल. ओके, सो इसका आंसर भी देख लेना आप लोग. सो ए डैश इज प्लेस वेयर टू बोन्स मीट जॉइंट. ओके, देन ए डैश हैज एक्सोस्केलेटन. कॉकरोच, स्नेल, टॉर्टल, ये सब आप लोग लिख सकते हो. मैं एक लिख दिया, आप लोग दूसरे चाहे तो लिख सकते हैं. ओके, सो द शेप ऑफ ए फिश इज स्ट्रीमलाइन बॉडी, बस स्ट्रीमलाइन. ओके, ए बी मूविंग इन द गार्डन शोज रैंडम मोशन. देन व्हेन द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब ब्रेक्स इट, द बल्ब गेट फ्यूज्ड. इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम. ओके, इंसुलेटर. सो इसको पॉज करो और लिखो, देन ट्रू फॉल्स में चलते हैं. ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है. एनुअल एग्जाम जो आगे आ रहा है, आप लोग ढूंढते रह जाओगे, मतलब कि इसको याद रख लो, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको भी मिल जाएगा. ओके, तो सारे के सारे बुक को भी फॉलो करना है. मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पर डाल दिया हूँ, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सारे के सारे मैंने डाल दिया है. तो आप लोग बस जाकर यूट्यूब पर सुनिए, इस सबको देखिए भी. ओके, सो फर्स्ट इज, ए स्नेक मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट. फॉल्स. फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. ट्रू है ये. देन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मिक्स द सॉयल. ट्रू, ये मिक्स हो जाएगा. देन वुड इज एन इंसुलेटर, ये भी ट्रू है. देन ऑन हीटिंग मैग्नेट्स गेट डी मैग्नेटाइज्ड. ट्रू, मैग्नेट को हीट करने से और ऊपर से, बहुत ऊपर से फेंकने से इसका मैग्नेटिक पावर चला जाता है कि नहीं. देन शैडोज आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर. ट्रू. ओके, ए पिन होल कैमरा फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज. पिन होल कैमरा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, नॉट इरेक्ट. ओके, ओनली 0.1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये भी ट्रू है. ओके, तो इसके बारे में डिफाइन करेंगे. कॉपी में इसको लिख दिया हूँ, 5 नंबर. डिफाइन द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9
इसको मैंने कॉपी में लिख दिया हूँ, इसको करना है ओके आप लोगों को। तो इसका स्केलेटन का थोड़ा देख लीजिए आप लोग। तो ये क्या है, इसको बताया गया कि इसका क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ स्केलेटन लेवल हिंग जॉइंट फ्यूमर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड स्पाइन। इसको मतलब पहचान है कौन से जगह हिंग जॉइंट है, लेवल हिंग जॉइंट फ्यूमर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड स्पाइन, इसको तुम्हें आपको दिखाना है स्केलेटन में ओके। तो ये वाला हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये वाला हो गया स्पाइन, ये वाला जांघ का जो हड्डी है इसको फ्यूमर बोलते हैं, लंबी हड्डी सबसे बड़ा है हड्डी, देन ये हिंज जॉइंट है ओके, ये हिंज जॉइंट है ओके। सो देन कॉपी में चलेंगे, और एक बी का भी है तो इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, देन कॉपी में जाएंगे ओके वो वाले क्वेश्चन को। सो स्टडी द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन। सो ये वाले जो फिगर है इसको जस्ट थोड़ा देखो, यहाँ पर क्या लगा गया है, इरेजर एक लगा गया है। तो विल द बल्ब ग्लो, अगर इरेजर यहाँ पर लगेगा ये बल्ब क्या ग्लो करेगा ये, हाँ ये बैटरी से करंट नहीं जाएगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इरेजर इज एन इंसुलेटर, इरेजर एक इंसुलेटर है, तो इसी वजह से ये नहीं जलेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डिफाइन, सो फर्स्ट इज वाटर साइकिल। सो वाटर एक्सकेप्स फ्रॉम द अर्थ एंड रिटर्न्स टू द अर्थ बाय सीरीज ऑफ स्टेप्स इन ए साइक्लिक फॉर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल ओके। देन नेक्स्ट इज वेस्ट, एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल एंड नीड्स टू बी थ्रो अवे इज कॉल्ड वेस्ट। जो चीज़ें हमें चाहिए नहीं, हम उसको फेंकने की ज़रूरत होता है, उसको हम वेस्ट बोलेंगे, वो हमारे यूज में नहीं रहता है। तो ये हो गया मैग्नेट ओके। मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट कैन अट्रैक्ट आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स ओके। देन ट्रांसलेटरी मोशंस, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स एज ए होल, ऑल द पार्ट्स मूव सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम ओके। सो ये कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है ना, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स एज ए होल, टोटल घूमता है। मतलब एक आप एग्जाम्पल ले लो बाइक या साइकिल को, ये रेक्टिलिनियर में भी जाता है और उसका जो व्हील्स होता है ये सर्कुलर मोशन में भी मूव करता है, टोटल को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे ओके। देन ये आ गया मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और टू इट्स टू टाइम। सो एक जगह से बॉडी दूसरे जगह का मूव करने के लिए हम जो टाइम हमें लेने में लगता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम मोशन बोलेंगे ओके, मोशन बोलेंगे। देन नेक्स्ट आ गया रिब केज आ गया। सो रिबकेज, सो द रिब्स आर थिन फ्लैट कॉर्व्ड बोन्स दैट जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हिप एंड लंग्स, दिस इज कॉल्ड द रिबकेज ओके। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसके मतलब कि डिस्टिंग्विश हमें निकालनी है। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ये हो गया हिंज जॉइंट। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, हिंज जॉइंट क्या है देखेंगे इसको ओके। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट, सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन द डायरेक्शंस ओके। हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट ओनली वन डायरेक्शन, सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स टोटल घूम जाएगा 360 में, और ये क्या हो जाएगा ओनली वन डायरेक्शन में ही जाएगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा अगर शोल्डर का बोलेंगे टोटल घूमता है ये, तो इसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और अगर नी को बोलेंगे ये एक साइड में ही जा सकता है, दूसरे साइड में नहीं जा सकता ओके। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे द जॉइंट्स हिप एंड द शोल्डर ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल द जॉइंट्स एट द नी एंड एल्बो, ये वाला जो हो गया नी एंड एल्बो। देन इंसुलेटर्स एंड कॉन्डक्टर्स, इंसुलेटर क्या है और कॉन्डक्टर्स क्या है। द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर्स, द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी
टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स। सो इंसुलेटर का जिस चीज के जरिए इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता है इसको हम क्या बोलेंगे ना, इंसुलेटर बोलेंगे, और जिसके जरिए इलेक्ट्रिक पास कर सकता है उसको क्या बोलेंगे ना, कंडक्टर बोलेंगे। ओके, एग्जांपल देखेंगे तो वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड इसका एग्जांपल देखेंगे तो कंडक्टर्स का क्या हो गया ना, कॉपर एंड ग्रेफाइट। ओके, चलिए आगे देना क्या, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है ना, लुमिनस ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ओके, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ये क्या कहता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट होता है, नॉन लुमिनस का खुद का लाइट नहीं होता है। और लुमिनस का एग्जाम देखेंगे सन, स्टार एक्सेट्रा, एंड नॉन लुमिनस का एग्जाम्पल हो गया टेबल्स, चेयर्स एक्सेट्रा। ओके, देन इमेज एंड शेडोज। सो इट इज ऑफ सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। इमेज का क्या होगा, आप लोग मतलब कि मिरर के आगे खड़े हो जाएंगे और रेड का टी शर्ट पहने होंगे या रेड का कुर्ते या कुर्ता पहने होंगे तो वो इमेज में रेड ही दिखेगा, कलर चेंज नहीं होगा। बट इमेज शेडो में क्या होता है, तुम जैसे भी कलर का जो ड्रेस पहने हो वो शेडो में क्या हो जाता है ना, ब्लैक ही दिखेगा। सो इट इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। ओके, सो इट गिव्स ऑल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तुम जैसे जो तरीके से पहने होंगे, अगर तुम्हारा ड्रेस में कोई कहीं पर दाग भी लगा होगा वो भी दिखाई दे रहा होगा, बट शेडो के केस में क्या होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, बस ब्लैक पैच ही दिखाई देगा, टोटल ब्लैक शेडो। सर फर सब शेडो, सिर भी शेडो, आंख भी शेडो, सारे के सारे ब्लैक, मतलब कि भूत जैसा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा उसमें, आंख कहाँ है, मुंह कहाँ है, बाल कहाँ है, कुछ नहीं दिखेगा, शेडो ब्लैक टोटल है कि नहीं। आप लोग तो पूरा मास्टर हो इसमें, देख लेना आप, एक्सपेरिमेंट कर लेना, कभी जाकर मिरर ड्रेसिंग टेबल के आगे सामने खड़े हो जाना है और देख नोटिस करो कैसे तुम दिख रहे हो, फिर जाकर धूप में खड़े हो जाओ, देखो तुम्हारा जो शैडो बनता है वो कैसे दिखता है, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हो गया। सो इट इज फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कि तुम्हारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाएगा। देखे नहीं हो जब मिरर के सामने खड़े हो जाते हो दोनों साइड चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, लेटरली इन्वर्टेड। बट इट इज नॉट लेटरली इन्वर्टेड। ये इसका कोई बाएं दाएं कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा काला काला, ब्लैक ब्लैक। ओके, देन कम टू द ड्रॉट एंड फ्लॉड। ड्रॉट एंड फ्लॉड के बारे में देखेंगे। ड्रॉट इज ए कंडीशन दैट अकर्स व्हेन देयर इज नो रेनफॉल फॉर लॉन्ग पीरियड, बट फ्लॉड इज ए कंडीशन दैट अकर्स व्हेन देयर इज हैवी रेनफॉल फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ओके, देन आगे चलेंगे। सेकेंड है सॉइल बिकम ड्राई एंड हार्ड एंड begins to crack. It causes soil erosion by washing away the top fertile layer of soil. Okay. Then give reason for the following. So we should say no to plastic. क्यों हम plastic को no करना चाहिए? Okay. We should no to plastic because plastic have many harmful effects. बहुत सारे खराब कारण मतलब effects देता है वो हमारा environment को। So next B, mountaineers carry oxygen cylinder with them. The atmosphere become thinner with the increase in altitude. When the atmosphere become thinner, the oxygen level decrease. So it is for reason that mountaineers carry oxygen cylinder with them. So जैसे कि हम अर्थ लेवल से ऊपर जाएंगे, ये क्या होगा, एयर वहाँ पर पतला होता जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जाएगा, तो माउंटेनर जो राइड करते हैं वो ऊपर जाते हैं ना, तो उनको उनके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग जितने परिश्रम करते हैं वो हांफते ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर इतना ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, क्योंकि जितने ऊपर जाओगे ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, हम लोग वो जो माउंटेन राइडर जो चढ़ते हैं ना माउंटेन के ऊपर, वो क्या करते हैं ना, अपने साथ वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। ओके, मैं एक एक चीज़ भी आप लोगों का याद करवा देता हूँ,
इस क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन भी करवा देता हूँ, क्योंकि हम लोग ये सब क्लासेस में भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोग मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर ध्यान मत दो, थोड़ा समझने की भी कोशिश करो, क्योंकि समझदारी ही अच्छा है तुम्हारा फ्यूचर के लिए। तुम जैसे जैसे बड़े क्लास में जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अगर समझोगे तो। और सिर्फ याद रखोगे तो वो काम में नहीं आएगा, अभी याद रखा फिर दो दिन के बाद भूल जाओगे। तो पहले समझने की कोशिश करो। मैं जब बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इसका बारे में थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ। और तुम लोग ये सब क्लासेस में भी मैंने बता चुका हूँ, और स्पेशली जो सब्जेक्ट है, चैप्टर है, उसके जो वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब पर, यहाँ पर मेरे चैनल पर परिडा अकेडमी में, वहाँ पर भी मैं डाल दिया हूँ, उसको भी फॉलो करके देख सकते हो। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट। देन ऑफाक्यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म शैडो। व्हाई? ए शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन बिहाइंड द ऑपाक्यू का ऑब्जेक्ट वेयर लाइट कैन नॉट पास। सो लाइट पास नहीं कर पाता ऑपाक्यू का ऑब्जेक्ट में, और शैडो फॉर्म हो जाता है। ओके, देन रिपल्शन इज ए सीओ टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। व्हाई? Like poles, magnets always repel each other. Repulsion is definitely attributed to magnetism. Thus, we can say the repulsion is a sure test for magnetism. Okay. Then, E number. The string of musical instrument show vibratory motion. Why? Now, all the musical instrument which have strings execute the vibratory motion. जो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिंग होता है, एक तार होता है, वो क्या होता है ना, वाइब्रेटरी मोशन पैदा करते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन व्हेन इट मूव्स टू एंड फ्रो इन द सेम डायरेक्शन। कब हम इसको वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे ना, जब वो स्ट्रिंग को आप लोग खींचते हो ना, वो आगे पीछे जाता है और वाइब्रेटरी मोशन में वो साउंड पैदा करता है ना। देन व्हेन वी हिट द स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे मूव टू एंड फ्रो, दिस मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सो वाइब्रेटरी मोशन। ये टू एंड फोर डायरेक्शन में क्या करता है, टू एंड फोर डायरेक्शन में मोशन करता है। तो ये क्या हो गया, वाइब्रेटरी मोशन में होता है, साउंड पैदा करता है ये। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, देन लिस्ट फोर यूजेस ऑफ एयर। लिस्ट फोर यूजेस ऑफ एयर। So four uses of air are: moving air helps to evaporate water from clothes. ये क्या करता है ना, evaporate कम में काम लगता है। Then question number second point: air helps in seed dispersal and pollinations. Then air helps gliders, sailboats and aeroplanes to move. Then fourth point: compressed air is filled in tubes, tires and balloons. ओके, देन क्वेश्चन नंबर बी में चलेंगे। सो व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ऑल प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सी लिस्ट फोर इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट का फोर इफेक्ट हमें लिखना है। सो फोर इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट्स आर क्या, द वाटर टेबल गोज डाउन कॉजिंग स्कैरसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। तो धीरे धीरे ये पानी, नीचे वाला पानी का जो स्तर है ये कम होता जाएगा। देन सेकेंड पॉइंट, वेजिटेशन ड्राइज अप एंड डाइज विच लीड टू स्कैरसिटी ऑफ फूड। वेजिटेशन मतलब कि फसल नहीं होगा, पानी नहीं है तो फसल नहीं होगा, ग्राउंड वाटर में भी पानी नहीं है तो फसल नहीं हो पाएगा। तो इसके साथ क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ फूड, फूड का अभाव देखने के पड़ जाता है, और उसमें लोग का प्रॉब्लम होता है, खाने को नहीं पाते हैं उस वक्त। सो द टॉप फर्टाइल लेयर गेट्स ब्लोन अवे द विंड। जो ऊपर का जो मिट्टी है ये धूप मतलब कि हवा में एक जगह से दूसरे जगह उड़कर चला जाएगा। देन आईवी पॉइंट, व्हेन पॉन्ड्स एंड लेक्स ड्राइज ऑफ एक्वेटिक लाइफ गेट डिस्ट्रॉयड। द पॉन्ड एंड लेक अगर ये सूख गया तो एक्वाटिक एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। देन व्हाट इज ए लैंडफिल, ए लो लाइंग ओपन एरिया वेयर सॉलिड वेस्टेज आर डम्प्ड आर कॉल्ड लैंडफिल। ओके, देन व्हाट इज ए स्विच, व्हाट इज ए स्विच, ए इलेक्ट्रिक स्विच इज ए डिवाइस दैट ओपन्स और क्लोजेस ए सर्किट। ओके, स्विच क्या होता है, सर्किट को ओपन करता है और क्लोज करता है। एफ,
What is a curvilinear motion? An object is said to be in curvilinear motion if it move along a curved path. Okay. Long answer type question. How is a periodic motion different from non-periodic motion? कैसे? An object is said to be in periodic motion if it repeats the motion after regular intervals of time. But an object is said to be non-periodic motion if does not repeat the motion after regular interval time. अगर regular interval time में होता है तो ये periodic है, अगर नहीं होता है तो ये non-periodic है. आगे चलते हैं. So how can you minimize the overuse of plastics? कैसे हम minimize कर सकते हैं? When you go for shopping, carry your own cloth bag and say no to plastic bag. खुद का बैग लेके जाना है, जब मार्केट जाना है तो प्लास्टिक बैग नहीं लाना है दुकानदारी से. Next, do not accept stuff in plastic bags given to you by shopkeepers and tell him and other people the ill effect of plastics so that they also stop using them. तो आपको खरीदना भी नहीं है प्लास्टिक, और जो देगा शॉपकीपर आपको लाना भी नहीं है, और उनको क्या करना है, अवेयरनेस दे के आना है, उनको बता के आना है इल इफेक्ट्स प्लास्टिक का ज़्यादा यूज करने से हमें प्रॉब्लम क्या होता है, उनको समझा के भी आना है. देन री यूज प्लास्टिक आइटम्स लाइक बॉटल्स एंड बॉक्सेस. डू नॉट स्टोर इडेबल इन प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग में कोई खाने का चीज भी मत रखा करिए. सो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स केयरलेसली हेयर एंड देयर. यहाँ वहाँ फेंकना भी नहीं चाहिए जो प्लास्टिक बैग. देन स्प्रेड अवेयरनेस इन स्कूल एंड इन योर नेबरहुड अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बाय कंडक्टिंग कंपैरिजन एंड टॉक्स. ओके, तो इसको क्या करना है ना, इल इफेक्ट्स के बारे में भी अवेयरनेस भी फैलाना है चारों तरफ. ओके, देन आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सी. ओके, हाउ इज एन ओपन सर्किट डिफरेंट फ्रॉम ए क्लोज सर्किट. ओके, हाउ इज एन ओपन सर्किट डिफरेंट फ्रॉम ए क्लोज सर्किट. कैसे? ओपन सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रोकन एट सम पॉइंट. इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो इन सच ए सर्किट, बट क्लोज सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर. तो ओपन सर्किट क्या होता है, जिससे करंट पास कर जाता है, बट क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाता, बिकॉज वहाँ पर क्लोज सर्किट में एक वो स्विच लगा हुआ होता है, ये क्या कर देता है ना, सर्किट को क्लोज कर देता है. आगे चलते हैं. ये मैच द फॉलोइंग में पहले भी कर चुका हूँ, वो जो फर्स्ट पेज में, अगर आप लोग को फिर से देखना है तो वहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, पूरा क्लियर लिखा है, पूरा सीधा. तो यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो जाता है, पॉज करिए और लिखिए आप. तो ये क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया द एंड. और इस साल के लिए टोटल कंप्लीट आपका साइंस, और मैं धीरे धीरे SST का भी डाल रहा हूँ, वो भी कंप्लीट हो जाएगा. और आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है इसके लिए भी क्वेश्चन आंसर SST का भी डिस्कशन करूँगा. मैथमेटिक्स का तो क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो और अगर टाइम मिलेगा तो यूट्यूब पर मैं मैथमेटिक्स का डाल दूँगा. ओके, ठीक है, बाय बाय.